गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सो पीहू को स्कूल छोड़ के आई हूँ अभी जस्ट, और यहाँ हमारा आज है गाइस धनिया वाला पानी, देख सकते हो धनिया है इसमें, धनिया का पानी पिएंगे आज हम। और मैं आपको बता दूँ मैं धनिया वाला पानी क्यों पी रही हूँ, जैसे कि गर्ल्स में प्रॉब्लम हो जाती है ना वाइट डिस्चार्ज को लेके, इस वजह से जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है ना ज़्यादा, और क्या कहते हैं आप चाहते हो कोई होम रेमेडी हो जिससे वो सही हो जाए, तो आप डेली क्या कहते हैं डेली नहीं मतलब जब जब आपको ज़्यादा हो तो आप रात को एक चम्मच कांच की गिलास में एक भर के पानी से, और उसमें एक चम्मच कहता ये धनिया डाल दो, पूरी रात इसको धनिया को रखो, देन सुबह उसको पानी में गरम करके और फिर ठंडा होके उसको पी लो। दो दिन तक आप ये चीज़ करेंगे ना आपका वाइट डिस्चार्ज एकदम ठीक हो जाएगा। सो अभी चलो नहाना वाना भी है, ये पी लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी भी जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है मेहनत चल रही है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मौसम बढ़िया वर्क है। अभी जा रहे हैं हम लाइब्रेरी, थोड़ा सा ना सुबह सुबह शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता यार ब्लॉग, और लाइब्रेरी में भी क्या ही शूट करूँ क्योंकि पढ़ना होता है, जितना भी थोड़ा बहुत हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ ताकि मेरा डेली कंटेंट जा सके। बारिश हो रही है, हाथ में छाता भी है, हल्की हल्की बूंदें हो रही हैं, हवा भी चल रही है ना इसलिए अच्छा लग रहा है। चलो अब लाइब्रेरी मिलते हैं डायरेक्ट। सो गाइस यहाँ मैं लाइब्रेरी आ चुकी थी, और जैसे कि मैं दिखा दूँ मेरी मैथ्स की क्लास थी जो कि मैंने फुल्ली कम्प्लीटली क्लास ले ली थी, और जितना भी था मेरा रेशियो वाला चैप्टर आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने काफ़ी सारे टाइप्स की प्रैक्टिस की और मुझे काफ़ी इजी भी लगा ये क्वेश्चंस एक बार बहुत बार सॉल्व करते हुए। और ये मैंने बनाया था टेबल टाइप जिसमें मैं मेंशन कर सकूँ कि हाँ मैंने कितनी क्लास ले ली है, कोई भी क्लास स्किप करी तो नहीं है, उसी हिसाब से मैंने ये अपना बना रखा था। और गाइज़ यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में मैथ्स ही सॉल्व करी थी सारे क्वेश्चंस, सर इतने इजी तरीके से बता रहे थे ना, इतने इजी में सर पता है आपको ट्रिक के साथ भी बताते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ भी बताते हैं, तब उसके कॉन्सेप्ट के आगे आपको ट्रिक कुछ भी नहीं लगती, आपको तो लगता है अरे हाँ यार कॉन्सेप्ट तो आ गया है ना, अब ट्रिक का क्या करना, उससे तो फिर क्लास और भी अच्छी लगने लग जाती है। और आज मैंने सर के दिए हुए क्वेश्चंस एक क्वेश्चन समझाने के बाद सारे क्वेश्चन खुद से करे गाइज, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ भाई मेरे से मैथ्स के क्वेश्चंस वापस से होने लग रहे हैं, वो भी रेशियो वाला चैप्टर जिस तरह से सर ने बताया, मतलब डिजिट चेंज भी होते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज थी इस बार है ना, और टॉपिक हमारा था इसमें इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स है ना, इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, सेविंग्स की सेविंग्स बता रखी हैं, तो फाइंड करना है ना इनकम फाइंड करनी है दोनों की है ना रेशियो से रुपीज़ में, इस तरह से क्वेश्चंस थे। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या कहते हैं हमारी इनकम दे रखी थी, सेविंग्स दे रखी थी, और एक्सपेंडिचर जो था वो निकालना था, तो हर टर्म को किस तरह से सॉल्व करना था वो सर ने सिखाया। आज बहुत ही अच्छा सेशन था, मैं भी आप सबको बोलूँगी जो लोग भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं कैरियर विल ऐप से कनेक्ट हो जाएं सर से, और यूट्यूब पे क्लासेस भी फ्री हैं, जिन लोगों ने बैच लिया है वो बैच के थ्रू पढ़ सकते हैं, जो लोग ऑफलाइन वैसे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से वो लोग यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर की क्लासेस यूट्यूब पर भी लाइव आती हैं सारी क्लासेस, शाम को स्टैटिक जीके की भी होती है, सुबह ज्योग्राफी की भी होती है, हिंदी की भी होती है, और मैथ्स वगैरह रीजनिंग की सारी क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस चलती हैं। और जो चैनल है कैरियर विल एसएससी जीडी के नाम से है, एसएससी के नाम से है, तो वो क्लासेस आप ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। देन गाइस यहाँ पे मैं लंच करने वाली थी, बहुत थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे लंच करेंगे अब। और मैं आपको बता दूँ क्लास इतनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो रही है सर की, और कोई भी क्लासेस स्किप नहीं कर रहे हैं, डेली रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती है सर की, आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगी सर की सारी क्लासेस। और इसी में मैं नोट करती हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ मैं सारी जितनी भी क्लास ले लेती हूँ उसके बाद मैं
उन क्लासेस पर सर्कल लगा देती हूँ ताकि मेरे स्किप ना हो जाए दिमाग से क्या मैंने कितनी क्लासेस ली है कितनी नहीं ली। स्टैटिक जी की क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया वो रात के टाइम होती है, और जिन लोगों का हिंदी है वो हिंदी ले सकते हैं, हिंदी का पढ़ सकते हैं, जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इस ऐप पे ही मतलब इस चैनल पर ही आपको सर सारी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी तो आप लोगों की तरह मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ जो कि प्रिपरेशन कर रही हूँ सेल्फ स्टडीज़ से ऑनलाइन और नोट्स की तरह, इसलिए जैसे मैं बता दूँ आपको मैं नोट्स बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी नोट्स को ज़रूर मेंटेन किया करें। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और आज मैंने मैथ्स की ऑलमोस्ट जितनी भी क्लासेस अब तक हुई थी शुरू हुए 5 या 6 क्लासेस हो चुके, मैंने सारी क्लासेस ले ली थी। स्टैटिक जीके की मैंने क्लासेस ले ली थी। मैं उसमें आपको टॉपिक बता दूँ, अभी तक सर ने नेशनल पार्क वाला टॉपिक करवाया है और फेयर एंड फेस्टिवल्स करवाए हैं, निक नेम्स करवाए हैं सिटीज़ के, है ना। सर की भी 5 क्लासेस टोटल हो चुकी है। सो प्लीज़ आप क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को भी सर के चैनल को भी, और इसी तरह हमारे ब्लॉग पे बने रहें। देख सकते हो सर किस टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं, हर टाइप का आपको सर करवाएंगे क्वेश्चन।